नमस्कार, मैं चिन्मयी। मैं महाराजस कॉलेज के प्रथम वर्षीय शोधार्थी हूँ। महाराजस कॉलेज के एसोसिएटिव प्रोफेसर डॉक्टर सजी आर कुरुप जी की गाइडेंस में मैं अपनी शोध कार्य कर रही हूँ। आज मेरा इस पर्चा प्रस्तुतिकरण का विषय है लोकतांत्रिक दृष्टि से आदिवासी स्त्री जीवन। लोकतंत्र शब्द का अर्थ है लोगों का शासन, जिसमें जनता अपने शासकों को खुद चुनती है। इस लोकतंत्र को बनाए रखने में साहित्यकारों की भी एक भूमिका है। स्वतंत्रता के बाद का जो लोकतंत्र है उसका प्रभाव साहित्य में देखा जा सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था ने जनता को अपनी हक जताने की क्षमता दी है। साहित्यिक भाषा में कहे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा उपलब्ध प्रमुख तत्व है स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व। जनता के इस हक में बाधा डालने वाले हर सत्ता से प्रतिरोध करने में साहित्यकार की भूमिका बहुत गहरी है। साहित्य साधारण जनता के विचारों और भावों की अभिव्यक्ति है। आदिवासी जनता के भावों की अभिव्यक्ति आदिवासी साहित्य द्वारा ही हुई है। उसमें आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, उनका शोषण आदि सम्मिलित है। आदिवासी साहित्य में आदिवासी जनता के अधिकार और हक की रक्षा की बात स्पष्ट की गई है। भारतीय संविधान की कई अनुच्छेदों में आदिवासी जनता की हक को व्यक्त किया गया है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 46 में कहा है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। भाग 3 अनुच्छेद 15(1) में कहा है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। आदिवासी संस्कृति और पहचान की रक्षा करना, आर्थिक और सामाजिक समानता मिलना आदि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा स्पष्ट किया गया है। आदिवासी जनता को लोकतांत्रिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वे आदिवासी साहित्य में भी प्रतिबिंबित है। आदिवासी संस्कृति और पहचान का नष्ट, राजनीतिक भ्रष्टाचार, सामाजिक और आर्थिक समानता का निषेध आदिवासी समुदाय की आवाज को दबाने की कोशिश आदि उनका चुनौतियां हैं। जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, सामाजिक न्याय आदि के आधारों पर सामाजिक असमानताएं होती है। शक्ति और पैसा के लालच, नेताओं की नैतिक कमजोरी, न्यायपालिका की कमजोरी आदि राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण है। शहरीकरण, आधुनिकीकरण, मीडिया का प्रभाव, सांस्कृतिक आक्रमण आदि संस्कृति नष्ट होने का कारण है। सामाजिक भेदभाव, शिक्षा की कमी, राजनीतिक दबाव, आर्थिक शोषण आदि आदिवासी समुदाय की आवाज को दबाने वाला कारण है। आदिवासी साहित्य में स्त्री संघर्ष। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ने हर लोगों के अधिकार और हक को बहुत स्पष्ट तरीके से उल्लेखित किया गया है। उन नियमों और वक्तव्यों को पढ़ने और समझने के बाद स्पष्ट होता है कि लिंग भेद के बाद हर व्यक्ति को अपनी बुनियादी चीजों को पाना, स्वतंत्रता मिलना, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना आदि उनके मौलिक हक है। पर नियम सिर्फ नियम बनते जाना वह जायज नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में स्त्रियां आज भी अपने हक के लिए और न्याय के लिए लड़ रही है। आज भी हमारा समाज स्त्रियों को दुर्बल समझता है, ताकि स्त्रियां सिर्फ पुरुषों के अधीन ही रहे। स्त्री सिर्फ भोगने की चीज मानी जाती है, पर आज स्त्री जीवन में
पर आज स्त्री समाज अपनी अधिकारों के लिए आवाज उठाती है, पूर्ण रूप से तो नहीं पर पहले से बहुत कुछ बदलाव अब स्त्री जीवन में आ गया है। इस बदलाव का कारण शिक्षा ही है। शिक्षा प्राप्त करने से स्त्री समूह अंधकार से बाहर आने का प्रयास कर रहा है। स्त्री के ऊपर होने वाले हर अत्याचारों, हर अनीतियों और शोषण को साहित्यकार अपनी साहित्यिक विषय बनाकर जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आदिवासी साहित्य में भी स्त्री जीवन की हकीकत को चित्रित किया गया है। आदिवासी समाज बाकी समाज से बहुत भिन्न है, पर वहां भी स्त्री पुरुष का अंतर देखने को मिलते हैं। कई पीढ़ियों से पहले आदिवासी समाज में शादी के समय दहेज पुरुषों द्वारा देते थे, पर अब वह बदलकर स्त्री दहेज देती है। गरीबी की वजह से आदिवासी स्त्रियां काम के लिए पलायन करने को विवश होती है। कई शहरों में जाकर पैसा के लिए वे दम तोड़कर काम करती है, फिर भी तनख्वाह कम मिलता है, साथ ही उनका दैहिक शोषण भी होता है। आदिवासी कहानियों में स्त्री शोषण। आदिवासी स्त्रियों का जीवंत चित्रण आदिवासी कहानियों में देखा जा सकता है। कई आदिवासी साहित्यकारों ने आदिवासी स्त्री जीवन के संघर्ष और उनके शोषण को अपने साहित्यिक रचनाओं में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। रोजगार के लिए उनका पलायन, उनके साथ होने वाले बलात्कार, आर्थिक विषमता आदि कई आदिवासी कहानियों का मुख्य विषय है। यह स्पष्ट करने वाले एक कहानी है शिशिव टुटुर के दाग। इस कहानी में झारखंड के महुआटोली गांव की एक लड़की सनीचरी के संघर्ष भरी जीवन और उसके साथ हुए शोषण का चित्रण है। सनीचरी के माथे के घाव, उसका बीता हुआ कल और उस हादसे को याद दिलाती है। अपनी आजीविका के लिए दिल्ली में गई सनीचरी को मेम साहब के भाई बलदेव से एक घिनौना हरकत या घिनौना कृत्य का सामना करना पड़ता है। सनीचरी के गांव के मुंहबोली चाची सुकरों ने ही सनीचरी को काम दिलाने के लिए दिल्ली ले गई थी। देख सनीचरी, मन लगा के काम करेगी तो मालिक चावला साहब और मेम साहब दोनों बहुत अच्छे लोग हैं, अपने घर जैसन रखेगी ये लोग, खाना पीना कपड़ा सब देगा और ऊपर से इतवार को दिन भर छुट्टी, ऊपर महीना में 1600 रुपया हाथ में देगा। बोला और क्या चाहिए, इसके अलावा एक लड़की को और क्या चाहिए। सुकरो चाची ने सिर्फ काम के बारे में ही सोचा है, पर सुरक्षा के बारे में नहीं। एक लड़की को इन सब से बढ़कर सुरक्षा ही मुख्य है। सनीचरी को बलदेव ने जोर जबरदस्ती से पकड़ लिया और बलात्कार करने की कोशिश की। सनीचरी जोर से बलदेव को मारकर अपने सामान बांधने के बाद रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ गई। सनीचरी दिल्ली से महुआ टोली तक कैसे आई यह उसको तक पता नहीं। सनीचरी के माथे का घाव इस घटना की याद दिलाती है कि जब वहां से जाने के लिए अपने सामान और अपने पेटी निकालते वक्त उसका माथा पलंग के कोने से टकरा गया और उसे चोट लग गई। भारत संविधान के अनुच्छेद 23(1) में कहा है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस अवबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यहाँ सनीचरी पर बलात्श्रम हुआ है और उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा मिलने वाला न्याय यहाँ मिल नहीं रहा है। आदिवासी समाज में कई गोत्र होते हैं। अलग अलग गोत्रों में अलग अलग परंपराएं, रीति रिवाजें और नियम होते हैं। लड़की
जात में पैदा होने के कारण स्त्रियां कई तरह की शोषण झेलते हैं, उसको स्पष्ट करने वाली एक कहानी है डॉक्टर कृष्ण चंद्र टूडू का एक बिता जमीन। इस कहानी के अंत तक सरला नामक लड़की के साथ होने वाले शोषण अत्याचार आदि को देख सकते हैं। गुतिया जाति की लड़की है सरला और बिना माँ बाप के रहने वाली सरला की जमीन गुतिया जनता हड़पना चाहती है। हाँ, हमने पा लिया भागने वाली को, यह रही इस पेट के नीचे खड़ी है, पकड़ो इसे, पीटो इसे, जान से मार डालो इसे, यह डायन है। यहाँ सरला गोतिया जन से डरकर अपना घर छोड़कर जाती है और गोतिया जन उसको डायन कहकर मारने की कोशिश करते हैं। वे उसे पीटने के बाद एक पोकर में फेंक देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 भाग 4 अनुच्छेद 21 में स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यहाँ भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनी दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करने का अधिकार दिया है, पर यहाँ स्त्री का दैहिक शोषण होता है। दरोगा जी, मेरा ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसे तो मैं सह लूंगी, क्योंकि मैं तो लड़की जात हूं, मेरा भाग्य में यही लिखा है, मैं लड़की हूं ना, मेरा तो कोई जन्म स्थान हो ही नहीं सकता। ये मेरा समाज का नियम है, हमारा परंपरा है, जिसके कारण मेरा यह हाल हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 15(1) में स्पष्ट करता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, पर यह अधिकार एक स्त्री होने के कारण यहां नहीं मिल रहा है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 में स्पष्ट करता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं को त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। गुतिया जाति में जब एक लड़की के माता पिता का निधन होता है, तब उस लड़की के अधिकारों में होने वाली जमीन पर समाज के लोगों का हक होता है। यह गुतिया जाति का नियम है। शादी भी ना होने के कारण सरला को इस अन्याय का सामना करना पड़ता है। इस परंपरा के कारण यहाँ स्त्री का शोषण होता है। रोजगार के लिए आदिवासी स्त्रियों को अन्य शहर में ले जाया करता है और वहां उनका शोषण होता है। यह समस्या को स्पष्ट करने वाली एक कहानी है मंगल सिंह मुंडा का धोखा। मुंगली नामक लड़की पर होने वाले शोषण और पूरे आदिवासी समाज का गरीबीपन इस कहानी के अंधेरे पहलू को दिखाता है। गरीबी की वजह से काम के लिए आदिवासी युवक युवतियों को हल्दिया ले जाते हैं। उस हुजूम में मुंगली भी जाती है। वहां जाकर ठेकेदार रघुनाथ गोसाई के जाल में मुंगली फंस जाती है और रघुनाथ उसका शारीरिक और आर्थिक शोषण करता है। अच्छी बात, पर यह तुमने क्या हालत बना रखी है, तुम्हारी सभी सहेलियों तो चिड़िया जैसी उछलती फुदकती उल्लासित नजर आ रही है। एक तो तुम हो कि मरियल मुर्गी के समान दुबकी हो। यहाँ मुंगली एक मरियल मुर्गी की तरह बन गई है, यानी कि यहाँ उसका शोषण हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 15 में स्पष्ट किया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
और इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए बालकों के लिए कोई विशेष अभबंध करने से निवारित नहीं करेगी, पर इस अधिकार मुंगली को यहां नहीं मिल रहा है। क्या बताऊं दादा, 4 महीना पहले उसने मुझसे कहा था कि मैं उसकी हो जाऊं, रात दिन हर समय उसकी सेवा शुश्रूषा करूं, बरसात आने तक काम करने के बाद हम घर चले जाएंगे, वहां जगह जमीन खेती बाड़ी है, इस तरह मुझे रेजा का काम नहीं करना पड़ेगा। तब उसके बहकावे में आकर अपना सब कुछ उसे देती रही। आज सुन रही हूं कि वह तो भाग गया, अब मेरा पास घर जाने का पैसा भी नहीं। यह साफ दिख रहा है कि मुंगली के साथ यह धोखा हुआ है और उसका शारीरिक और आर्थिक शोषण हुआ है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 46 में स्पष्ट किया गया है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था ने सभी प्रकार के शोषण से मुक्त होने का नियम बनाया है, फिर भी यहाँ मुंगली जैसी स्त्रियों को यहाँ हक नहीं मिल रहा है। इस 3 कहानियों द्वारा आदिवासी समाज की स्त्रियों का दर्दनाक जीवन और उसकी भयावह स्थिति देख सकते हैं, साथ ही प्रधानतः यह समझ पाते हैं कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा दिए गए अधिकार और नियम आदिवासी स्त्री जनों को नहीं मिल रहा है। इतना कहकर मैं अपने इस पर्चा प्रस्तुतीकरण को समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया चिन्मयी जी।